इस बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो कल मीडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटबंदी को लेकर जो सर्वे दिखाया गया है कि 90% लोग 92% लोग सरकार के इस फैसले के साथ है, ये जो सर्वे है ये प्रायोजित है, मैनेज किया हुआ है और इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है और ये मैं आपको फर्जी है ये सर्वे, क्योंकि जब और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ जब पूरे देश के अंदर तो 90% यानी कि 90-95% जनता और खास तौर से देहातों की जनता, तो जहाँ पर ना ATM है ज़्यादा ना बैंक है, तो पूरे देश के अंदर 90-95% जनता जो अभी भी आसमान के नीचे लाइन पे खड़ी हो जाती है और रास्ते खड़ी हो जाती है, तो 90% लोगों ने इनके पक्ष में तो कैसे समर्थन दे दिया है कि इनके इस फैसले से सहमत है, ये बिल्कुल गलत है और फर्जी है, ये प्रायोजित है। और जनता को मैं यही कहना चाहती हूँ कि इनको बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। और इतना ही नहीं, मैं केंद्र की सरकार को और खास तौर से मैं प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहती हूँ कि यदि आपका ये फैसला सही है जो आपने जल्दबाजी में लिया है, पूरे देश की जनता त्राही त्राही कर रही है, तो मैं प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहती हूँ कि यदि सही मायने में आप ईमानदार हैं इस मामले में और सही सर्वे चाहते हैं, आप में हिम्मत है, तो आप लोकसभा भंग कराएं और लोकसभा भंग करा के पूरे देश में तुरंत चुनाव कराएं, मालूम पड़ जाएगा कि कितने लोग इनके साथ में हैं प्रधानमंत्री। और सही सर्वे तो तभी होगा, ये तो मैनेज किया हुआ है, प्रायोजित सर्वे है, आप लोकसभा भंग कराएं, चुनाव कराएं, पूरे देश में मालूम पड़ जाएगा कि जनता इनके फैसले से कितनी सहमत है।